Hello students, what today's topic is simple interest and compound interest. And compound interest. Okay. So, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ड इंटरेस्ट की वर्ड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है. इंटरेस्ट मीन्स वर्ड इंटरेस्ट मीन्स द एक्स्ट्रा अमाउंट. वी कैन से इंटरेस्ट मीन्स द एक्स्ट्रा अमाउंट आइदर वी पे और वी गेट ऑन अ गिवन अमाउंट. एक दिए हुए अमाउंट पे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट या तो हमको मिल रहा है या हम पे कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं इंटरेस्ट. ओके. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा सिंपल है. लेट सपोज मैंने 100 रुपीज किसी स्कीम में इन्वेस्ट करे 10% के रेट से, तो 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा 110. मैंने क्या किया, ये 10 रुपीज निकाले और अपनी पॉकेट में डाल दिए. नेक्स्ट ईयर फिर से 100 स्पेंड किए सेम रेट से, फिर ये हो गया 110. फिर 10 निकाल के मैंने अपनी पॉकेट में डाल दिया, यानी आफ्टर सेकेंड ईयर मेरे पास पॉकेट में 20, यानी टोटल 120 हो गया. फिर ये 100 इन्वेस्ट किया सेम रेट से, अगेन इट बिकम 110. सो आफ्टर 3 ईयर टोटल अमाउंट आई हैव इज 130. हर साल में जमा कितना कर रहा था 100, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल. और मुझे मिला कितना 3 साल बाद 130, दिस इज अवर अमाउंट. कितना एक्स्ट्रा मिला 30, दिस 30 इज कॉल्ड एज एन इंटरेस्ट. 30 को हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट. ओके. इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट पर, पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100. और यही से अगर हमें अमाउंट चाहिए तो अमाउंट फॉर्म होता है पी 1 + RT/100. एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, इसका जो ये प्रिंसिपल है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है. प्रिंसिपल जो है हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट. आगे चलते कुछ एग्जांपल्स देते हैं. सपोज प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम पीरियड है 3 ईयर्स. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, दो जीरो से दो जीरो कट गए, इट बिकम 3,000. ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, इसको प्रिंसिपल में जोड़ दिया तो अमाउंट हो गया 13,000. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, व्हाट इज द टाइम पीरियड इफ वी रिसीव अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6,000. तो अगेन अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, पी इंटू आर इंटू टी बाय 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0. टी हमारे पास आ गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रिंसिपल 10,000, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इन 5 ईयर वी रिसीव अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8,000. सिंपल फॉर्मूला, पी आर टी बाय 100. 2 0 2 0 2 0 2 0, 5 से 80 को कैंसिल करें 68. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आउट टू बी 16%. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल 10,000, फॉर द फर्स्ट ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, फॉर सेकेंड ईयर इट्स 20%, फॉर थर्ड ईयर इट्स 30%.
30%। सो अगेन मैं क्या बताना है, 3 साल बाद इसका अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, तो मैं हर साल का इंटरेस्ट निकालूंगा और इंटरेस्ट निकाल के इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो क्या अमाउंट मिल जाएगा। ये तो हमने फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमें फॉर्मूलों की जरूरत ही नहीं, हम सिर्फ कॉमन सेंस से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बोले ही दे सुनना, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। एक साल का इंटरेस्ट 1,000, तो 3 साल का 3,000, प्रिंसिपल में जोड़ दिया तो 13,000। 10,000 का 15% कितना होगा, 10,000 का 15% होगा 1,500, तो 6,000 कमाने में कितने साल लगेंगे, 4 साल। 5 साल में इंटरेस्ट मिला 8,000, 1 साल का इंटरेस्ट 1,600। 1,600 10,000 का कितना परसेंट होगा, 16%। तो आंसर हो गया 16%। पहले साल का इंटरेस्ट 10%, दूसरे का 20, तीसरे का 30, टोटल क्या हो जाएगा 60। 10,000 का 60%, 6,000 प्रिंसिपल में जोड़ दिया तो 100। ये हो गया, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आगे चल रहा क्वेश्चन है, रुपीस सम ऑफ रुपीस 16,000 अमाउंट टू 18,400 इन 2 ईयर्स, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, 16,000 2 साल, इसको हम चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, नहीं तो कॉमन सेंस से। तो हम कॉमन सेंस से कैसे करेंगे, 16,000 2 साल में हो गया 18,400, यानी 2 साल में हमारा पैसा कितना बढ़ गया, 2,400। यानी 1 साल में कितना बड़ा होगा, 1,200। तो ये 1,200 16,000 का कितना परसेंट है, बस ये निकाल। गेट आंसर है 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनी बिकम 1,250 इन 2 ईयर्स एंड 1,375 इन 4 ईयर्स। फाइंड इनिशियल अमाउंट, हमें इसका इनिशियल अमाउंट बताना है। देखिए बहुत सिंपल है, अगेन कॉमन सेंस से करेंगे। 2 साल में 1,250, 4 साल में, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन 2 ईयर्स 125 का इंक्रीज हो रहा है, हर 2 साल में 125 का इंक्रीज हो रहा है। यानी 2 साल पहले इससे 125 कम होगा, इनका आंसर क्या होगा, 1,125। मेक सेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भाई 10% के रेट से कितने साल में पैसा 5 गुना हो रहा है, या उल्टा 15 साल में किस रेट से पैसा 20 गुना हो रहा है, लाइक दिस। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है या आपसे टाइम पीरियड पूछता है। बोले मनी बिकम डबल, अगर पैसा डबल हो रहा है, प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 2P। RT का अमाउंट टू बी 100, मनी बिकम 3 टाइम्स
आर टी इक्वल्स 200। देखिएगा ध्यान से, डबल बोला तो आर टी बराबर 100, थ्री टाइम्स बोला तो आर टी बराबर 200। तो अगर मैं बोलता 4 टाइम्स तो आर टी बराबर हो जाता 300। सिंपली मनी बिकम एन टाइम्स, तो आर टी बराबर एन माइनस वन इंटू 100। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर हमें। इन हाउ मैनी ईयर्स मनी बिकम 30 टाइम्स एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। 13 टाइम्स मतलब आर टी बराबर 1200, आर है 15, 1200 80, तो 80 ईयर्स में पैसा 13 गुना हो जाएगा। ठीक है, एक क्विक रिकैप देखते हैं। हमने टॉपिक हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट रहता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, ये दो इसके फॉर्मूले हैं। फिर हमने ये एग्जाम्पल्स देखे, फिर इन एग्जाम्पल्स को ओरल सॉल्व किया। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बच्चों आपको ना एक फॉर्मूले की भी जरूरत है, सिर्फ अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हमने ये एग्जाम्पल देखा, फिर ये एग्जाम्पल देखा, फिर हमने ये कंडीशन देखी। ठीक है, तो अभी हमने आज सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट में किया। नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट सेशन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।